नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का जीएस गंगा के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, ई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन अगस्त महीने की है और जिसमें जून तक की लगभग घटनाएं कवर हैं, तो उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। वीडियो की जो प्लेलिस्ट है वो आई बटन पर मिल जाएगी। आइए इस वीडियो का हम पहला सवाल देखते हैं, जो कि काला अमरूद की वैरायटी को लेकर के है। काला अमरूद की प्रजाति जो है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है उसके द्वारा विकसित किया गया है। सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में काला अमरूद निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार कृषि विश्वविद्यालय। और नेक्स्ट है, 2022 तक जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है यानी कि ESA, वो 2022 तक विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की योजना, उसकी प्लानिंग है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से, जैसे देखिए सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वह 2022 में विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी, तो उत्तर इसका ESA हो जाएगा। ESA का पूरा नाम होता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जैसे भारत की इसरो है, अमेरिका की नासा है, सेम इसी प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं, 27 अप्रैल 2021 को उच्चतम न्यायालय ने निजी अस्पताल वेदांता को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तांबा संयंत्र में ऑक्सीजन उत्पादन इकाई स्थापित करने की अनुमति दी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वेदांता एक निजी अस्पताल है और ये अस्पताल तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक तांबा संयंत्र है जहां पर ऑक्सीजन उत्पादन की इकाई स्थापित करेगी। कौन? वेदांता अस्पताल। ठीक है, और इसको 27 अप्रैल 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश भी दिया है, ये अनुमति प्रदान की है कि वेदांता हॉस्पिटल जो है वो तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जो तांबा संयंत्र है वहाँ पर ऑक्सीजन उत्पादन की इकाई लगा सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि पुणे में, ध्यान दीजिएगा, पुणे में नाबार्ड के सहयोग से भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया है। ठीक है, पूछा जा सकता है कहाँ पर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र बनाया गया है, तो उसका उत्तर हो जाएगा पुणे। और यहाँ पर ध्यान रखना है डॉक्टर GR चिंताला पुणे के जो है नाबार्ड के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, एक चीकू फल है जिसका महाराष्ट्र में नाम क्या है, महाराष्ट्र में इसका नाम है दहानु घोलवड सपोटा। ये चीकू की प्रजाति है, महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं दहानु घोलवड सपोटा। तो इसका निर्यात जो है 19 मई 2021 को यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में किया गया है। अब निर्यात को लेकर के दो और बातें हैं, बंगनपल्ली और सुवर्ण रेखा आम की प्रजातियां हैं जो कि आंध्र प्रदेश में इसका जो है पैदावार होती है, तो इसका निर्यात जो है दक्षिण कोरिया को किया गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट ब्लैक फंगस महामारी को लेकर के न्यूज है। ब्लैक फंगस महामारी को अभी हाल ही में जो है महामारी के रूप में अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो देश का पहला राज्य हरियाणा है। और ब्लैक फंगस को म्यूकारमाइकोसिस भी बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगर ये पूछा जाए कि ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकारमाइकोसिस है। ठीक है, और जिस अधिनियम के तहत इसको विभिन्न राज्य महामारी घोषित कर रहे हैं उस अधिनियम का नाम भी देख लीजिए, महामारी रोग अधिनियम 1897 है, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एक्ट क्या है, आज़ादी के पहले का है, तो 1897 है। और इसी एक्ट के तहत जो है तीन राज्य जिसमें से हरियाणा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान, और फिर तीन राज्य तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु ने इसको महामारी घोषित किया है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर और ध्यान में रखना है कि ब्लैक फंगस जिसका वैज्ञानिक नाम म्यूकारमाइकोसिस है, ये एक कवकजन्य संक्रमण रोग है। ये पूछा जा सकता है बायोलॉजी के सेगमेंट में आपकी परीक्षाओं में कि ये किस प्रकार का रोग है, किससे उत्पन्न होता है, तो ये एक फफूंद यानी कि कवक से उत्पन्न होता है और उसका नाम है म्यूकारमाइसिटिस। म्यूकारमाइसिटिस नामक फफूंद की वजह से ब्लैक फंगस बीमारी महामारी पैदा होती है। और इसमें शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, तो आँख, नाक, त्वचा और फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड जो कि 1098 कैरेट का है, ये अफ्रीकी देश बोत्सवाना है, बोत्सवाना से खोजा गया है। और बोत्सवाना विश्व में दूसरा सबसे बड़ा हीरा उत्पादक जो है राज्य देश भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अफ्रीकी देश बोत्सवाना वर्तमान में विश्व का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा डायमंड उत्पादक राज्य है, तो जहाँ राज्य नहीं है, देश है।
और नेक्स्ट है WHOM योग ऐप, जिसको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और आपको पता होगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और अगली न्यूज ओलंपिक खेलों से संबंधित है, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल जो कि 2032 में होंगे वो किस शहर में होंगे, तो ये होगा ब्रिस्बेन में, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है और ये तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। ठीक है, तो अभी होने नहीं जा रहा है, 2032 में होगा, तीसरी बार होगा। और उसके बाद में दो बातें यहाँ पर और महत्वपूर्ण हैं, 2024 का ओलंपिक जो है फ्रांस के पेरिस में होगा और 2028 का ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 वाला ओलंपिक कहाँ पर होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। और अगली न्यूज है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ऊर्जा दक्षता के लिए नई पहल का उद्घाटन भवन क्षेत्र के लिए किया गया है। तो किस क्षेत्र के लिए ऊर्जा दक्षता के लिए नई पहल का उद्घाटन किया गया है, भवन क्षेत्र के लिए किया गया है, और ये किसका हिस्सा है, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये हिस्सा है। नेक्स्ट है श्रवण हरेला त्यौहार। श्रवण हरेला त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है, कहाँ पर मनाया जाता है, उत्तराखंड में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसकी शुरुआत सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। उसके बाद में एक ऐप है मत्स्य सेतु ऐप। मत्स्य सेतु ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया है, जो कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप है, माने कि ये एग्रीकल्चर जो मत्स्यन होता है उससे संबंधित ये एक ऐप है, जिसका उद्घाटन जो है लॉन्च किसने किया है, गिरिराज सिंह ने किया है इसको। नेक्स्ट है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत लद्दाख में की गई है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित वन कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जनपद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रायम भारती एंसिस ये क्या है, दरअसल ये काई की एक नई प्रजाति है, जिसको अंटार्कटिका के पूर्वी हिस्से में खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया है, तो अंटार्कटिका के पूर्वी हिस्से में जो है भटिंडा के केंद्रीय पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा खोजा गया है। और नेक्स्ट है अश्विनी वैष्णव, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, इन दोनों ने संयुक्त रूप से किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। और वो भी कब, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसान सारथी ऐप लॉन्च किया है। अगला है कि भूटान में भीम UPI का शुभारंभ निर्मला सीतारमण ने 13 जुलाई 2021 को किया। और निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री हैं, तो भूटान जो है वो पहला निकट का पड़ोसी देश होगा। और उसके बाद में जम्मू कश्मीर की जो दरबार मूव प्रथा जो कि 149 वर्ष पुरानी थी, इसको 30 जून 2021 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इसको ख़त्म कर दिया है, जिसमें सर्दी में और गर्मी में 6-6 महीना राजधानी जम्मू और श्रीनगर हुआ करती थी, तो इस प्रथा को अभी हाल ही में ख़त्म कर दिया गया है। और इसको अगर पूछा जाए, इसको इसकी शुरुआत किसने किया था, तो महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है कारवार नौसेना अड्डा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। और उसके बाद में दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर देश की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा का प्रारंभ किया गया है। और ये सुविधा प्रारंभ की गई है दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के द्वारा, देश की पहली फास्टैग UPI आधारित कैशलेस पार्किंग सुविधा है, कहाँ पर शुरू की गई है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर। और नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 को 6 वर्ष इसका पूरा हुआ है, और इसकी शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का 6 वर्ष कब पूरा हुआ है, तो 1 जुलाई 2021 को पूरा हुआ है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में किसके द्वारा फेस चैन के ब्लॉकचेन पर पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है, तो पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया गया है दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी के द्वारा। नेक्स्ट है कि जून 2021 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा सुकून नामक परामर्श हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया गया, तो इस नंबर का यानी कि सुकून नामक परामर्श हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट है इजराइल का शहर रामला, जो कि इस चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है शोधकर्ताओं ने अज्ञात प्राचीन मानव का
जीवाश्म यहाँ से खोजा है। और नेक्स्ट है कि हेमिस महोत्सव जून 2021 में लद्दाख की राजधानी लेह में मनाया गया। इसको तसेउ नाम से भी जाना जाता है। गुरुपदय संभव की जयंती के अवसर पर हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। गुरुपदय संभव बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के संस्थापक थे, इसलिए बात महत्वपूर्ण हो जाती है। और पदय संभव को जो है दूसरा बुद्ध का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि हेमिस महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो लद्दाख में मनाया जाता है। और नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक टीम के आधिकारिक संघ के लेखक एवं गायक कौन है, तो मोहित चौहान है, जिसका शीर्षक है तू ठान ले। अब इसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखेंगे। जैसे एक पुस्तक है मनोहर परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसके लेखक नितिन गोखले हैं। और नेक्स्ट है पुस्तक द क्रिसमस पिग के राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं जेके रोलिंग। और जेके रोलिंग की एक और किताब है हैरी पॉटर, बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये। और वहीं योग सचित्र के लेखक कौन है, पुस्तक योग सचित्र के लेखक धर्मवीर सिंह महीदा हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गोल्डमैन पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है, तो गोल्डमैन पुरस्कार किन किन लोगों को साल 2021 का दिया गया है ये देखते हैं। साल 2021 का गोल्डमैन पुरस्कार, पहली बात ये जानिए कि किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। किन किन भारतीयों को मिला है, कब मिला है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो 2021 का जिन लोगों को मिला है, उसमें पहला नाम है ग्लोरिया माजिगा कमोतो, जो कि अफ्रीकी देश मलावी से हैं। दूसरे नंबर पर है थाई वैन गुएन, जो कि वियतनाम से हैं। तीसरे नंबर पर है किमोको हिराता, जो कि जापान से हैं। चौथे नंबर पर है मैयदा बिलाल, जो कि यूरोप से हैं, हर्सेगोविना से। और पाँचवें नंबर पर सेरान लिविग्ने। छठे नंबर पर लिज चिगाजे चुरे, जो कि पेरू से हैं। पेरू भी जो है एक प्रकार का लैटिन अमेरिकी देश है, तो यहाँ पर दक्षिण मध्य अमेरिकी देश है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किन किन लोगों को मिला है, तो नाम जरूर ध्यान में रखना है, ग्लोरिया माजिगा, थाई वैन गुएन, किमोको हिराता, मैयदा बिलाल, सेरान लिविग्ने, लिज चिगाजे चुरे, इन लोगों को मिला है। और भारत में किन किन लोगों को मिला है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। भारत में प्रफुल्ल समंतारा, जो कि 2017 में इनको मिला है। रमेश अग्रवाल, वर्ष 2014 में मिला है। राशिदा बी एवं चंपा देवी शुक्ला को 2004 में मिला है। और वहीं एमसी मेहता 1996 में मिला है। और मेधा पाटकर को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। और नेक्स्ट है फुकुआ पुरस्कार के तहत ग्रैंड प्राइज पुरस्कार किस भारतीय को दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये पाला गुम्मी पी साईनाथ को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है। ओपन यूनिवर्सिटी पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, तो साल 2021 का ओपन सोसाइटी पुरस्कार है, यूनिवर्सिटी नहीं है ये, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 के सैलजा को दिए जाने की घोषणा की गई है। और अगला है कि रोल ऑफ एक्सीलेंसी सम्मान या रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिए जाने की घोषणा की गई है, तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ लाइट अवार्ड 2021, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021 सैयद उस्मान अजहर मकसूरसी को दिया गया है, जो कि हैदराबाद से संबंध रखते हैं। और नेक्स्ट है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, ये किसे दिया गया है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु को 6 जुलाई 2021 को दिया गया है, और ये विश्व बैंक के अर्थशास्त्री हैं। अगली न्यूज कांस फिल्म महोत्सव से है। कांस फिल्म महोत्सव का 74वां संस्करण जो है फ्रांस के कांस शहर में आयोजित हुआ था 6-7 जुलाई को। तो ये अगर पूछा जाए कि कांस फिल्म महोत्सव का 74वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये फ्रांस के कांस शहर में आयोजित हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर फिल्म टाइटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डी ओर दिया गया है। तो ये पाम डी ओर क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है, जो किस फिल्म को दिया गया है, तो फिल्म टाइटन को दिया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर है सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है लियोस क्राक्स को। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कालेब लैंड्री जोन्स को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड रिनेट रेनसवे को दिया गया है। और नेक्स्ट है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज कहाँ पर खोला गया है, 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज आम जनता के लिए एम्स्टर्डम में खोला गया है, कहाँ पर, एम्स्टर्डम में खोला गया है। और नेक्स्ट है कि डेनमार्क में जो है यूरोप में एक देश है डेनमार्क,
यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। जैसे यहाँ पर सवाल देख सकते हैं कि हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल किस देश में बनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। और उसके बाद में गुजरात के केवड़िया में 182 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनाई गई है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। इसी के पास एक झील स्थित है जिसका नाम है पंचमुखी झील। तो इस पंचमुखी झील में पर्यटकों के जो है आगमन के को ध्यान में रखते हुए मगरमच्छों का यहाँ से स्थानांतरण किया गया है। इतनी सी बात ध्यान रखना है कि पंचमुखी झील कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और यूनिटी ऑफ स्टैचू के पास में ये स्थित है। अगला है कि देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान कहाँ बनाया गया है। तो देश का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान देहरादून में बनाया गया है। क्रिप्टोगैमिक का मतलब ये होता है ऐसे पौधे जिसमें फूल जो है वो नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें फूल नहीं होते हैं उनको क्रिप्टोगैमिक पौधे बोला जाता है। तो ये क्रिप्टोगैमिक उद्यान देहरादून में बनाया गया है। और नेक्स्ट है जेम्स मैथ्यू केरल के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। केरल में वनों की कटाई को लेकर के एक इन्होंने अभियान चलाया था कि उन वनों की कटाई जो हो रही है उसकी CBI मांग किया जाए। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जेम्स मैथ्यू किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ध्यान रखना है जेम्स मैथ्यू ये पर्यावरणविद हैं और कहाँ के पर्यावरणविद हैं, तो ये केरल के पर्यावरणविद हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहला स्टेडियम बनाया गया है जो कि दिव्यांगों के लिए है। और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शकुंतला मिश्रा दिव्यांग पुनर्वास विश्वविद्यालय है, वहीं पर ये पहला अपनी तरह का पहला स्टेडियम बनाया गया है। और नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी बैठक जो है फ्रांस के पेरिस में हुई है और इसकी अध्यक्षता जर्मनी ने की है। और यहाँ पर पाकिस्तान को पुनः जो है ग्रे लिस्ट की सूची में डाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं FETF के बारे में। मैंने बताया कि FETF जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि गैर सरकारी वित्त पोषण पर जो है रोक लगाती है। जैसा कि उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, तो अब उसको तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, यहां से उसको आर्थिक मदद मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो ये प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान को आगे भी देखनी पड़ेगी। और FETF जो है ये पेरिस स्थित एक अंतर सरकारी संस्था है। तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय जो है पेरिस में है। 1989 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान में इसके टोटल जो सदस्य देश हैं 39 हैं और सऊदी अरब जो है वो आखिरी सदस्यता पाने वाला देश है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है ये राजस्थान में है, जिसको हाल ही में राजस्थान का चौथा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है। माफ करिएगा, ये वन्य जीव अभयारण्य था तो इसको राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, ठीक है। और है नेक्स्ट, 21 मई 2021 को किस देश की पहल पर इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम को मंजूरी प्रदान की है। किस देश की पहल पर, तो ये है मिस्र की पहल पर इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में युद्ध विराम को मंजूरी प्रदान की है। और गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया है। तो भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन है, भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य जो है गोवा है। 30 जून 2021 को ये रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। और गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम क्या है, तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जिन्होंने गोवा को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया। और नेक्स्ट है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप जो कि भारत में प्रस्तावित था, तो वो COVID-19 के कारण अब भारत में नहीं होगा। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने 29 जून को घोषणा की और वो अब भारत में नहीं होगा। तो वो कहां पर होगा, ये अब होगा संयुक्त अरब अमीरात में एवं ओमान में। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की घोषणा के मुताबिक ICC पुरुष T20 विश्व कप अब भारत में नहीं होगा। तो ये कहाँ पर होगा, ये संयुक्त अरब अमीरात में होगा और ओमान में होगा। अब हम जून महीने से लेकर के इधर अगस्त महीने तक जो भी वर्ष दिवस सप्ताह चर्चा में रहे हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कारगिल विजय दिवस, जिसकी 22वीं वर्षगांठ जो है 26 जुलाई 2021 को मनाई गई और यहीं पर जो है ऑपरेशन विजय में भाग लेने वाले सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम क्या रही है, तो विश्व मस्तिष्क दिवस की जो थीम थी
वो थी स्टाप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। क्या थी? स्टाप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्रश्न है कि विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। और इसी प्रकार विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। 20 जून को कब मनाया जाता है? 20 जून को। और इस बार थीम क्या रही है? टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन की थीम रही है। 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और अगला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। साल 1989 से इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत हुई है। और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के प्रारूप का विमोचन भी किया गया है। कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया गया? तो वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया गया। और सर्वप्रथम वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया गया था? तो वर्ष 1950 में मनाया गया था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। ध्यान रखिएगा, 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका गठन हुआ था, और तभी से 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को मनाया जाता है। और उसके बाद में जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है और थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी फेयर फ्यूचर फॉर सीज फेयर्स इसकी थीम थी। और ये किस संस्था की पहल है? तो अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की पहल है। इसकी पहल है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय लंदन में है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। है कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रिमेनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। क्या थीम थी? रिमेनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक इसकी थीम थी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो कल्याण के लिए योग, योगा फॉर वेलबींग 2021 की थीम थी। और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की। और वहीं पर 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो 4-5 बातें यहां पर हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो योगा फॉर वेलबींग। और पहली बार कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को। कि 15वां सांख्यिकी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो 15वां सांख्यिकी दिवस हाल ही में 29 जून को मनाया गया। 29 जून 2021 को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? और इसकी थीम जो थी वो थी सतत विकास लक्ष्य 2, भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, इसकी थीम थी। और किस संस्थान के द्वारा मनाया गया? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसे मनाया गया। अच्छा, क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन जो हमारे सांख्यिकी संस्थान के संस्थापक थे, 1934 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी, तो प्रोफेसर पीसी महानोबिस के द्वारा की गई थी। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 2007 से 29 जून को ये विश्व भारतीय सांख्यिकी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी सतत विकास लक्ष्य SDG 2, भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि।